आधा राजकुमार। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे। 6 तो भले चंगे थे, पर 7वां बेटा उन 6 से बिल्कुल अलग था। वह शरीर से आधा था। उसकी एक आंख थी, एक कान था, एक हाथ था, एक टांग थी। इस तरह उसका सारा शरीर आधा था, परंतु वह बहुत ही वीर था और उसमें आत्मविश्वास की कोई भी कमी नहीं थी। जब सभी राजकुमार बड़े हो गए, तो उनमें से 6 राजकुमार राजा के पास आए। जब 6 राजकुमारों ने राजा से कहा, महाराज, हम दुनिया को जीतने जाएंगे, कृपया आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, जाओ, मेरी सेना भी साथ में ले जाओ। 6 राजकुमार सेना लेकर चल पड़े। उन्हें जाता देखकर 7वां राजकुमार, जो कि आधे शरीर वाला था, उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी जाए। अतः आधा राजकुमार भी राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं भी दुनिया जीतने जाऊंगा। राजा ने कहा, जाओ, मेरी ढोलक भी साथ में लेकर जाओ। आधा राजकुमार ढोलक में बैठ गया। फिर वह बोला, चल मेरी ढोलक, चल चल चल, आज चले हम लौटे कल। ढोलक लुढ़कने लगी, ढम ढम ढम। चलते चलते आधे को 100 जुगनू मिले। जुगनों ने पूछा, आधे आधे, तू कहाँ चला? आधे ने कहा, पहन बहादुर का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। जुगनू बोले, आधे आधे, हमें भी साथ ले चल, तू जहाँ कहेगा हम चलेंगे, अंधेरे में उजाला कर देंगे। आधे ने उन्हें साथ ले लिया। 100 जुगनू ढोलक में बैठ गए। ढोलक लुढ़कने लगी, ढम ढम ढम। चलते चलते आधे को 100 ततैया मिले। ततैया ने पूछा, आधे आधे, तू कहाँ चला? आधे ने कहा, पहन बहादुर का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। ततैया ने कहा, आधे आधे, हमें भी साथ ले चल, तो जिसे कहेगा हम उसे डंक मार देंगे। आधे ने उन्हें भी साथ ले लिया। ढोलक लुढ़कने लगी, ढम ढम ढम। चलते चलते आधे को धागे की 100 तारे मिली। तारों ने पूछा, आधे आधे, तू कहाँ चला? आधा बोला, पहन बहादुर का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। धागे के तारों ने कहा, आधे आधे, हमें भी साथ ले चल, तू जिसे कहेगा हम उसे बांध देंगे तेरे लिए। धागे के तार भी ढोलक में बैठ गए। चलते चलते आधे को एक महल दिखाई दिया। उस महल का राजा बूढ़ा था और रानी जोर जोर से रो रही थी। आधे ने कहा, रानी रानी, आप मत रोइए, आपका जो काम बिगड़ा है मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मुझे बताइए। रानी ने कहा, परदेशियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया है, आप उनको हरा दीजिए, हम आपको राजा बना देंगे। हमारा कोई बेटा नहीं, हम आपको अपना बेटा बना लेंगे। तब रात थी, परदेशी सिपाही अंधेरे में छुपे हुए थे। आधे ने ढोलक में मुंह डालकर पुकारा, जुगनुओं जुगनुओं, बाहर निकलो। सब मिलकर अंधेरे में चमको, परदेशी सेना
यहाँ आ चुकी है, तुम परदेशी सेना पर उजाला कर दो। तो जुगनू चमके तो उजाला हो गया, परदेशी सिपाही अब दिखने लगे थे। अब आदे ने झपट कर ढोलक में मुंह डालकर पुकारा, ततैयाओ ततैयाओ, झपट पर निकलो और झटपट निकलो, परदेशी सिपाहियों को काट खाओ, उनकी आंखों में डंक मार दो जिससे कि वे अंधे हो जाएं। सो ततैयों ने डंक मारे तो सभी परदेशी सिपाही अधमरे से हो गए थे। अब आधे ने झटपट ढोलक में मुंह डालकर पुकारा, धागे की तारो झटपट निकलो, परदेशी सिपाहियों को बांध लो। धागे की तारों ने तुरंत आदेश का पालन किया, इस तरह परदेशी सेना की हार हो गई। आधा राजकुमार अपनी बहादुरी और सूझबूझ से जीत गया, राजा रानी ने आधे को राजा बना दिया। अब आधा बड़ी शान से अपने घर को चल पड़ा। बाकी के 6 राजकुमार भी सैर सपाटा करके खाली हाथ अपने राज्य में वापस लौटे।